नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत के बारे में। कुवैत की भाई फ्लाइटों का तो आपको पता है क्या स्थिति है। घरेलू कामगारों की जॉब से रिलेटेड हम बात करेंगे, कुछ लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करेंगे। विथ प्रूफ मैं दिखाऊंगा। किसी बंदे ने मुझे एक लिंक व्हाट्सअप किया था, उस लिंक को मैंने देखा तो मैं समझ में नहीं पा रहा यार, लोग इतने गलत तो नहीं बोल सकते उनको, लेकिन इतने बुद्धि, मतलब क्या होता है, खुद की कमी, मतलब खुद बेवकूफ़ है और सामने वाले को बेवकूफ़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, और उसको समझा रहे हैं कि तू बेवकूफ़ है, तुझे पता ही नहीं है सब बातों का। विथ प्रूफ आपको लाइव मैं स्क्रीनशॉट पे दिखाऊंगा, आप देखना कि क्या लोगों की स्थिति होने वाली है। जी हाँ, तो भाई वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। भाई फेसबुक पेज वाले फेस को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको इससे रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। फ्लाइटों की बात करें तो भाई आपको पता है कुवैत की फ़्लाइटों की इंडिया के बारे में। बाकी आपको पता है कि भाई अगस्त में कुवैत ने फ्लाइटें स्टार्ट कर दी थी, वो सबको पता होना चाहिए। और इंडिया के लिए फ़्लाइटें स्टार्ट नहीं हैं, खास तौर से एशियन कंट्री की अगर बात करें तो लोग बेचारे थक हार के बैठ चुके हैं कि क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट नहीं हो रही, हालांकि थर्ड कंट्री के द्वारा लोग जा रहे हैं, मैंने भी आपको वीडियो बताया होगा। और भाई थर्ड कंट्री की अगर बात आ गई तो मैं बता दूँ कि जैसे मालदीव से, आर्मेनिया से लोग होके जा रहे थे, ठीक है, पहले कतर से होके जा रहे थे, लेकिन ये क्या होता है, एक ही साथ में कुछ ऐसा गलत होने लग जाता है कि उनकी सरकारों को पता लग जाता है। तो आज की डेट में अगर बात करें कि दुबई भी सरकार ने मालदीव को और आर्मेनिया को ग्रीन लिस्ट से हटा दिया है। जी हाँ, अब जो लोग मालदीव बैठे हैं, आर्मेनिया में बैठे हैं, मोटे पैकेज में एजेंटों के द्वारा भेजे गए थे, अब वो लोग भी कैसे जाएंगे, उनको प्रॉब्लम आएगी। तो आप भी अगर कुवैत जा रहे हैं आर्मेनिया से, मालदीव से, ऐसे थर्ड कंट्री द्वारा 14 दिन वहाँ पे रुक के मोटा पैसा खर्च करके, तो भाई इन चीज़ों का सावधानी आपको रखने की जिम्मेदारी है। क्योंकि कल को पता चले कुवैत भी बोल दे भाई हम इनको ग्रीन लिस्ट से हटा रहे हैं, यहाँ पे कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि थर्ड कंट्री लोग जा रहे हैं ना, आपको सबको पता है, तो एक ये नेगेटिविटी फैल जाती है। तो इन चीज़ों को आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप जा रहे हैं थर्ड कंट्री तो थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट पे डिपेंड करके थोड़ा सा भाई रिस्क लेके जा सकते हैं। बाकी दिक्कत है, इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट है तो कुवैत के लिए है नहीं, और अभी अभी तो मुझे लगता भी नहीं है कि ऐसा कोई इनपुट अंदर से निकल के आ रहा है कि भाई फ्लाइटें स्टार्ट हो सकती हैं। बाकी अगस्त अगस्त का महीना है, अगर अगस्त में कोरोना, देखिए अगर बात करें 16 अगस्त की, जी हाँ, तो मात्र 26,000 केस आए इंडिया में, यानी डाउन पे डाउन होते जा रहे हैं। और कल की डेट की बात करें कोरोना में 16-17 अगस्त की, जी हाँ, तो इंडिया में लगभग 88 लाख, यानी लगभग 90 लाख आप मान सकते हैं, 90 लाख लोगों को कोरोना की डोज लगी है, जो अपने आप में वर्ल्ड में इतिहास बनाया। जी हाँ, आप सोच सकते हैं 90 लाख लोगों की एक पॉपुलेशन नहीं होती है 90 लाख। आपको पता है गल्फ देशों में तो 10-15-20-20 लाख लोग लिए बैठे हैं अपने, उनके अभी पूरा वैक्सीनेशन 100% नहीं हुआ है। तो इंडिया में तो भाई कितने देशों को कवर कर लिया, एक दिन में 90 लाख लोगों को इंडिया में वैक्सीन लगी है। तो वैक्सीन कहीं ना कहीं ये कोरोना को मात देगी, 100% ये फैलने से रोकेगी। जी हाँ, ये एक ऑप्शन है कि रुकना जरूरी है, और 100% अगले महीने से फ्लाइटें स्टार्ट होने के चांसेस बन जाते हैं अगर ये 15-12-13 दिन बचे हैं अगस्त के निकल गए तो सही सलामत से। तो उम्मीद है कि 100% जितने भी देश हैं, खास तौर से गल्फ देशों की, तो फ्लाइटें स्टार्ट हो ही जानी है। जी हाँ, आगे हम बात करें कि भाई एक मैसेज मेरे पास आया, स्क्रीनशॉट पे आप देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको खुद को लाइव दिखाऊंगा भाई, क्योंकि मुंह से बोलने में ऐसे फर्क पड़ता है। आप देखिए भाई, कुवैत, ये कोई न्यूज़ है, कोई लिंक मुझे सेंड किया था, बोला सर ये देखो 1,000 सैलरी हो गई। मैं भी उसको पढ़ा तो उसको देखिए, फिर उसके नीचे कमेंट देखिए, देखिए घरेलू कामगारों की भर्ती के लिए नागरिकों की होनी चाहिए 1,000 कुवैत दिनार न्यूनतम सैलरी। नीचे देखिए, घरेलू कामगारों की भर्ती के लिए नागरिकों की सैलरी 1,000 न्यूनतम सैलरी होनी चाहिए। जी हाँ, अब ये बात खोल के अंदर कौन तो पढ़ेगा भाई, कौन माता पिता, नीचे लोग कमेंट कर देते हैं। अब भाई नीचे वाले कमेंट देख लीजिए, हर कोई कुवैत जाना चाहेगी, जाने की डिमांड करेगा, यार फिर तो पागल है क्या, एक ATM में कितने इंडियन रुपीज होते हैं। अब ये कमेंट देखिए भाई, फ्लाइट 1,000 KT बात नहीं है भाई, दिमाग ख़राब हो गया। एक सानू अहमद बोलते हैं दिमाग ख़राब हो गया भाई, पहले चेक कर लो कि कद एक इंडियन मनी कितना होता है, इतना तो इंजीनियर नहीं लेता है, इस तरह से आ रहे हैं। सादिकी साहब बोलते हैं कि 80-90 KT में लोग काम कर रहे हैं, तुम भी L लगवाओगे क्या, ये उनके कमेंट हैं। नीचे देखो, फेक न्यूज़ वेरी गुड फेकू, इस तरह से मैसेज आए पड़े हैं, समझ रहे हो। अब ये तो मैसेज आपने पढ़ लिए भाई, अब देखिए इसकी सच्चाई क्या है, इसकी सच्चाई बता दूं मैं, साफ साफ इसमें लिखा गया था कि भाई अगर मान लीजिए कुवैत में घरेलू नौकर सब जगह रखते हैं, भाई इंडिया में भी रखते हैं, सब जगह लोग घरेलू नौकर रखते हैं,
तो कुवैत में घरेलू नौकरों की स्थिति खराब है, उनको टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको मतलब भुगतान नहीं होता है, उनके साथ शोषण होता है टाइम को लेके, काम को लेके, तनख्वाह को लेके। जी हाँ, तो फिलीपींस नौकर वहाँ पे ज़्यादा हैं, आप सबको पता ही होगा कुवैत में। तो कुवैत की जो सरकार है उन्होंने एक नियम बनाया है, नियम ये बनाया कि भाई अगर आप किसी दूसरे देशों के वर्कर को अपने पास रखते हो काम करने के लिए तो क्या आप एलिजिबल हो, मतलब आपकी औकात है नौकर रखने की। सीधी भाषा में बोलें कि भाई मैं बोल दूं भाई मुझे दो नौकर चाहिए, मैं कमाता हूं खुद 20,000, नौकरों को कहां से पैसे दे दूंगा, फिर दिक्कत होगी ना, उनको टाइम पे पगार नहीं मिलेगी, दिक्कत होगी उनके लिए। सेम पोजीशन ये हो गई। तो सरकार ने एक नियम बनाया कि भाई आप तभी नौकर रख सकते हैं जब आप अगर दो बंदे घर में हो तो कम से कम आपको 1,000 KD आपकी तनख्वाह होनी चाहिए, तब जाके आप अपना नौकर घरेलू रख सकते हो। जी हाँ, फिलीपींस कामगारों की भर्ती से रिलेटेड ये कुवैती नागरिकों के परिवारों के बारे में बोला है, यानी इसमें साफ साफ मैसेज लिखा है कि नागरिकों की सैलरी इतनी होनी चाहिए, ये बात इसमें मेंशन कर दी, लेकिन ये कौन पढ़ेगा। साफ साफ दिया रखा है भाई एक आदमी हो तो 500 KD उसकी सैलरी होनी चाहिए, दो हैं तो उसकी 1,000 होनी चाहिए, एक परिवार में तीन हैं तो 1,500 और पाँच हैं तो 2,000 KD मंथली उनकी सैलरी है, तो उनको प्रमाण पत्र देना होगा, यानी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उनकी सैलरी अकाउंट का सर्टिफिकेट कि भाई ये हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में आती है 500, 1,000, 1,500, 2,000, इसलिए हम नौकर रख सकते हैं अपने घरेलू काम के लिए। तो ये उनके लिए मैसेज है कुवैती नागरिकों के लिए कि भाई आपकी मिनिमम 1,000 सैलरी घर में परिवार में है तो आप किसी नौकर को अपने घर में काम करने के लिए रख सकते हैं। लेकिन भाई लोगों का दिमाग है, इंडियन लोग हैं, आपको पता ही है कैसे लोग हैं, कौन इतना माता बची करे, अंदर जाके न्यूज़ को कौन पढ़ेगा, ऊपर वाले में देख लिए क्या कि 1,000 KD नौकरों की 1,000 KD कहाँ होती है, 80-90 में काम कर रहे हैं, 50 KD में काम कर रहे हैं, 150 KD में काम कर रहे हैं, अंदर जाके किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसको पेज को खोल के पढ़ा जाए फिर कमेंट करें, बताओ। यानी खुद की गलती, खुद बेवकूफ है, दूसरे को बेवकूफ बनाते हुए बोलते हैं कि तू बेवकूफ है, देख तो सही कि इसमें गलती है कि नहीं है। तो अरे भाई थोड़ी बहुत आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि यार दूसरे को गलत बताने से पहले अपने औकात तो देख लो कि हम कहाँ सोच रहे हैं और हमारी दिमाग की सोच कितनी है, समझ गए बात को। तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाना ज़रूरी था कि बहुत सारी न्यूज़ में ऐसा होता है कोई नहीं देखता, शुरू में वीडियो बन रहा है 10 मिनट का, शुरू में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि इस तरह से बोले जाते हैं, उन्हीं को बोल के नीचे कमेंट करने लग जाते हैं, उनको नहीं पता होता अंदर क्या लिखा है, सच है झूठ है कोई मतलब नहीं है। इस पेज में साफ लिखा है कि कुवैत नागरिक तभी अपने नौकर को रख सकते हैं जब उनकी सैलरी 1,000 कुवैती दिनार हो, उनको सर्टिफिकेट देना होगा तब वो नौकर रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ की एम्बेसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है, टाइम पर नौकरों को तनख्वाह नहीं दी जाती, बिस्पेयर किया जाता है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, टाइम सैलरी नहीं मिलती है। ये वजह से ये कुवैत सरकार ने नियम बनाने की कोशिश की है कि भी 1,000 नीचे वाले केडी अगर आप कमा रहे हैं तो आप नौकर नहीं रख सकते, अपना काम खुद करिए। जी हाँ, लेकिन भाई लोगों का क्या है, वो तो अपना ज्ञान ढोलने के लिए आ जाते हैं, घर वाले उनकी बात नहीं मानते, लेकिन वो फेसबुक पे यूट्यूब पे आके ऐसे कमेंट करते हैं कि पूरी दुनिया का नॉलेज उनको ही है, क्योंकि ऐसा दिमाग वाला अगर आदमी इंसान हो तो भाई कौन मानेगा। तो इन चीजों को भाई शॉर्ट में बता दूं, थोड़ा बच्चे हैं क्योंकि यार कम से कम थोड़ा सोच लो, देख लो, पढ़ लो, उसके बाद तो कमेंट करिए कि सच्चाई क्या घरेलू कामगारों की तनख्वाह 1,000 KD झूठ बोल रहे हो आप, लेकिन अंदर कुछ और ही लिखा है वो समझ में नहीं, वो पढ़ना नहीं है अपने को। तो बस ये कुवैत से रिलेटेड अपडेट देनी थी भाई, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद।